तो फ्रेंड्स एसआई रे 4187 पोस्ट बाहरी ये होची आपण मानकर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीए पोस्ट ओके प्रत्येक वर्ष बाहर ये जो एसआई पोस्ट बाहर ये होची आपण मानकर सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रे ही बाहर तेणु एथिरे बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी एवं आपण मानकर दिल्ली पुलिस एसआई ओके तो एथिरे सब मिसिकी ही आपण मानकर 4187 पोस्ट बाहर जदि आपण माने हा को आवेदन करिया पई चाहंती तो यार इंपोर्टेंट डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस विषय रे डिटेल्स रे कहि दउची जदि आपणकर योग्यता होतो निश्चित आवेदन करिवे एवं एथिरे प्लस 3 पास पिला माने भी फॉर्म पकेई परिवे प्लस 3 थर्ड इयर पिला माने जो माने के एग्जाम देइचन थर्ड इयर पिला माने मध्ये फॉर्म पकेई परिवे तनो बेस्ट रहउची वयस 20 वर्ष रु आरंभ होउची तबे एबे हम डिटेल्स रे जानिबा एथिरे इंपोर्टेंट डेट मु आपणकु कहि दउची जोंथिरे कि 4 मार्च रु 28 मार्च पर्यंत आपण माने ऑनलाइन आवेदन करि परिबे एसएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट रे ही आपण माने ऑनलाइन आवेदन करि परिबे ओके सेकंड रहउची यार रिटिन एग्जामिनेशन मध्ये डेट दे दैछि मे मास 9-10-13 रे ही मे मास रे आपण मानकर रिटिन एग्जामिनेशन हबो जदि फॉर्म पकेला बेले कोनोसी आपणकर भूल भाल हे जाउछि तबे करेक्शन जदि करिया पय चाहंती 30-3 रु 31-3 पर्यंत 2 दिन आपण मानकु से टाइम दबो ओके सब इन्स्पेक्टर जॉब जेहेतु ये ग्रुप बी पोस्ट एथरे सैलरी मध्ये आपनकर लेवल 6 रे आपनकर सैलरी रहिबो 35400 आपनकर स्टार्टिंग सैलरी 35400 ता सहित आपनकर डीए 50% एवं अलाउंस मिसिकी आपनकर मिनिमम आपनकर सैलरी 60,000 परे आपन मानकु सैलरी मिलिबो ओके तबे आपन मान जदि एथरे आवेदन करिया पय चाहंती त एथरे दिल्ली पुलिस सब इन्स्पेक्टर एवं सीएपीएफ रो सब इन्स्पेक्टर रहिछि बेटर रहिबो दिल्ली पुलिस सब इन्स्पेक्टर एवं सीएपीएफ रे सीआईएसएफ पोस्ट प्रेफरेंस चूज करके आप जाइपारे नचेत आपंकर चैलेंज जॉब को पसंद तेल आप बीएसएफ सीआरपीएफ यार एसआई हो पारे एवं आम जाना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन के पोस्ट अच्छी एटा पीडीएफ फाइल टेलीग्राम देदेव आप देखेदेव और सर्वाधिक पोस्ट अच्छी आम सीआईएसएफ पोस्ट अच्छी सर्वाधिक पोस्ट अच्छी ओके तेज बर्तमान आम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानवा सिलेक्शन प्रोसेस जानवा ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फास्ट रोचे आम बयस बयस 1/8/2024 को आपंकर बयस 20 वर्ष रु 25 वर्ष होते आप आवेदन करेंगे यहाँ हूँ आप जनरल कैंडिडेट मानी किंतु एज रिलैक्सेशन अच्छी जो थे कि एससी एसटी पिला मानों पई 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन एवं ओबीसी पिला मानों पई 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन ओके तबे एससी एसटी पिला 30 वर्ष पर्यंत ओबीसी पिला 28 वर्ष पर्यंत ये फॉर्म भरी परिबे आपण लेडीज सेथांतु किंबा जेंट्स सेथांतु आपण ये फॉर्म भरी परिबे ओके बयस पर आम एवं जानवा शिक्षागत योग्यता बयस अलग जहाँ भी रिलैक्सेशन रही अलग क्षेत्र में तो आपको चेक कर पारती कि जितनी इंपोर्टेंट मुझे कहीदेली जदि आप एक्सट्रा चेक करने चाहती आप पीडीएफ फाइल निजे चेक करेंगे ओके एवं आम जानवा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले एनी बैचलर डिग्री ओके आप आर्ट्स कमर्स साइंस किंबा कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री होता तबे आप जब डिग्री कंप्लीट कर डिग्री ठीक अधिक भी पढ़ी आपको आवेदन करेंगे ओके एवं एपीआर पिला आवेदन करेंगे एपीआर पिला विषय में जो मैंने एपीआर अच्छा तो से मैंने जो मैंने थर्ड इयर मैंने लास्ट इयर अच्छा आपड़ी लास्ट सेमिस्टर आप एग्जाम देखते लास्ट इयर में आपको आवेदन करके तेज बयस जाने शिक्षागत तो योग्यता जाने किंतु शिक्षागत योग्यतार दिल्ली पुलिस सब इन्स्पेक्टर जो पोस्ट अच्छी से मेल कैंडिडेट मानी लाइसेंस कंपलसरी ओके जदि आप दिल्ली पुलिस सब इन्स्पेक्टर टाकु से फास्ट पोस्ट प्रिफरेन्स दौरान तेरे आप मेल कैंडिडेट जदि होती आप मोटरसाइकल कि कार लाइट लाइसेंस थी आवश्यक बा हेवी थे भी चलो ओके से पे आवश्यक पड़ो से जितेबाला आपंकर फिजिकाल मेजरमेंट टेस्ट हे तो से ही आपर आवश्यक पड़ो तब फर्म पकईदे और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपने बनई नहीं थे जो मैंने दिल्ली पुलिस एसआई पकईवाई चाहते एथिरे एप्लीकेशन फीस 100 टका रही है वोमेन कैंडिडेट एवं एससी एसटी कैंडिडेट मानी आपंकर कौन पैसा पड़े ना आपने फ्री रे ऑनलाइन आवेदन करेंगे एवं आम जाना सिलेक्शन प्रोसेस में प्रथम आपंकर रिटिन एग्जामिशन हम रिटिन एग्जामिशन पेपर वन हम तापर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिसीय टेस्ट हम तापर से पेपर टू एग्जाम हम तापर आपर मेडिकल एग्जामिशन हम तापर आपर मेरीट लिस्ट आसो मेरीट लिस्ट आसला चाकरी पाए तेज रिटिन जो एग्जामिशन हम रिटिन एग्जामिशन में प्रथम आपड़ देखते फास्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिशन जो रही गोटे पेपर वन जो रही है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क क्वांटिटी
कम्पिटेटिव एप्टीट्यूड्रे 50 क्वेश्चन 50 मार्क सहित इंग्लीश मैंने इंग्लीश में 50 क्वेश्चन 50 मार्क 2 घंटा आपको टाइम रहा ओके नेगेटिव मार्किंग रोचे नेगेटिव मार्किंग पेपर वन पेपर टू आपर नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क नेगेटिव मार्किंग रोचे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस रे क्वेश्चन आसो ओके आपर इंग्लीश हिंदी में ही क्वेश्चन आसो आप बोथ में जोटा ही चॉइस करेंगे तब ये फास्ट आप फिजिकल दे सारा सरी आम फास्ट आप रिटेन दे सारा पेपर वन रिटेन दे सारापर जब आप क्वालिफाई करते मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अच्छी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रोचे यूआर 30% ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो 25% अदर कैटेगरी रोचे 20% ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रोचे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सहित आपर एनसीसी मार्क बोनस एड हम एनसीसी मार्क केनसीसी मार्क आपको एनसीसी मार्क में आपर 5% मार्क एक्जामिशन जी मार्क मैक्सिमम मार्क अच्छे तरह 5% आपको मिले और बी सर्टिफिकेट 3% ए सर्टिफिकेट 2% जोटा कि सी सर्टिफिकेट पर 5% रोचे तो यहाँ बोनस एड होकर यहाँ काउंटिंग हुए ओके तबे रिटन एग्जामिशन आमशार ही हम भुवनेश्वर ओडार ही हम आप तार एग्जाम सेंटर चूज करके भुवनेश्वर ही एग्जाम दे पारे ओके तबे रिटन दे सारापर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हम फिजिकल एफिसीयंट टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल कैंडिडेट मानी 170 सेंटीमीटर अधिक हाइट होते तो आपने हाइट्रे क्वालिफाई करेंगे चेस्ट में 80-85 नर्माल आप 80 होता दरकार फुले भी आप 85 सेंटीमीटर और एससी एसटी कैंडिडेट मानी 162.5 सेंटीमीटर आपंकर हाइट होता दरकार जो मैंने कि मेल कैंडिडेट और 77-82 आप चेस्ट होता दरकार फिमेल कैंडिडेट मानी 157 सेंटीमीटर हाइट रही मिनिमम हाइट और फिमेल एससी एसटी फिमेल कैंडिडेट मान 154 सेंटीमीटर हाइट रही मिनिमम हाइट एतिक हाइट रू अधिक होते तो आप मैंने तार जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अच्छे से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ही आप क्लीयर करेंगे जोटा कि मिनिमम क्वालिफाइंग रही ओके आपर वेटा मेडिकल स्टैंडर्ड हिसाब से आपर वेट रोके फिजिकल एफिसीयंट टेस्ट हम फिजिकल एफिसीयंट टेस्ट में मेल कैंडिडेट मानी 100 मीटर रनिंग 16 सेकेंड भितर क्लीयर करने पड़ो 1600 मीटर रनिंग एथे 6.5 मिनिट मैंने 6:30 सेकेंड भितर ही आपको क्लीयर करने पड़ो लंग जम्पटा 3.65 मीटर तीन टा चान्स भितर क्लीयर करने पड़ो हाई जम्पटा 1.2 मीटर तीन टा चान्स भितर आपको क्लीयर करने पड़ो सर्ट फुट रही 16 LBS आपंकर 4.5 मीटर आपको तीन टा चान्स भितर फिंगा पड़ो सर्ट फुट फीमेल कैंडिडेट मानी 100 मीटर रनिंग 18 सेकेंड भितर क्लीयर करने पड़ो 800 मीटर रनिंग 4 मिनट भितर आपको क्लीयर करने पड़ो ओके 800 मीटर रनिंग 4 मिनट भितर आपको क्लीयर करने पड़ो सहित लंग जंप आपको 2.7 मीटर तीन टा चान्स भितर क्लीयर करने पड़ो हाई जंप 0.9 मीटर तीन टा चान्स भितर क्लीयर करने पड़ो ओके तो यहाँ आपर जो रही मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क सरी आम मिनिमम ही क्वालिफाइंग अच्छी ए तेज आपर कौन मार्क ना तेज यहाँ क्लीयर कर सारापर आपर पेपर टू हम तबे जो पेपर टू हम पेपर टू में केवल इंग्लीश ही क्वेश्चन आसो इंग्लीश लैंग्वेज उपरे क्वेश्चन आसो से 200 मार्क क्वेश्चन आसो 200 मार्क ओके मैक्सिमम 200 मार्क रोचे और क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रोक 2 घंटा आप टाइम रोक तबे ये भी नेगेटिव मार्किंग रोचे तबे जदि आप क्वालिफाइंग करुँचे जापण मेरिट्रे आसपारे और एपर मेडिकल तापर मेडिकल टेस्ट हम आप जो रिटन एग्जामिशन देवे से कौ सिलेबस रु क्वेश्चन आसो तार रिलेटेड कंप्लीट इनफर्मेशन देखिए आपर सिलेबस दे दे जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग आप टोटल टॉपिक दे दी जो जो टॉपिक रु से क्वेश्चन आणती टोटल टॉपिक देखिए आपर फंडामेंटल या भितर क्लीयर होता दरकार बेसिकटा आपर क्लीयर होता दरकार जमीक आप क्वेश्चन आसने आपड़ जमी आराम से करेंगे तापर हूँ जनरल नलेज कौ कौ टॉपिक रे क्वेश्चन आसो ता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन देदेगी मुझे बुक और सिलेबस रिलेटेड वीडियो पोस्ट करदेवी तापर आपर इंग्लीश जो इंग्लीश रही इंग्लीश में कौन क्वेश्चन आसो तापर दे पेपर टू में जहाँ भी क्वेश्चन आसो तो सेपर ये कंप्लीट सिलेबस दे दीजिए ये जो PDF फाइल टी टेलीग्राम छाड़देवी डिस्क्रिप्शन में लिंक पाइजे आपर आवेदन करने चाहूँगे यही हिसाब से आवेदन करेंगे तापर मेडिकल एग्जामिशन हम मेडिकल एग्जामिशन जेहतु सेंट्रल मेडिकल एग्जामिशन रही है
ओके सीएपीएफ मेडिकल एग्जामिशन आर्मी नेवी एयरफोर्स भली ही हुए और जदि आपर कौन प्रोब्लम रही है रिव्यू मेडिकल बोर्ड आपर जब क्लीयर हो पाए ना आपको जब मेडिकल काटुचे तो आपको मेडिकल क्वालिफाई करने पड़ो जब कटुचे तो आपर ना ओके तेज टाटू जब आपर रही बडी में परमानेंट टाटू तेल आपत फिजिकाल समय ही कटिपारती कारण सरी मेडिकल समय कटिपारती तो पर्टिकुलर टाटू तार रूल अच्छे टाटू में आपंकर हाथ फोर आर्म टाटू थी तेल ही हम नचे तो अलग जगार थे ना ओके सहित ट्राइबल जो मैंने रही है टाटू थे सहित आपण मानक जो एग्जाम अच्छे एग्जाम दस दिन पूर्व सात दिन भितर ही आपको एडमिट कार्ड आसीज भल भाव पढ़ापढ़ी करूँ जदि आप देखें चाहूँगी एथे फर्म पकई पारे और ये पी डी एफ फाइल आपर जहाँ भी रही गोटे पोस्ट प्रिफरेन्स विषय में आपको डिटेल कहीदे कारण फर्म पकेला बेले पोस्ट प्रिफरेन्सटा मोस्ट इंपोर्टेंट एथे आपर सब इन्स्पेक्टर दिल्ली पुलिस सब इन्स्पेक्टर बीएसएफ सब इन्स्पेक्टर सीआईएसएफ सब इन्स्पेक्टर सीआरपीएफ सब इन्स्पेक्टर आईटीपी सब इन्स्पेक्टर सशस्त्र सीमा बल आपर कोड दे हिसाब से आप चाकरीटा फास्ट प्रिफरेन्स देवाई चाहूँ तो से हिसाब से आपस्ट प्रिफरेन्सटा से कोडटी देते अलग अलग देते ओके तो बर्तमान अप्लाई चली आवेदन करने चाहती आपेदन करते पी डी एफ फाइल टी मुझे टेलीग्राम छाड़ दूँ टेलीग्राम आपजे जब परवर्त समय के देखुं टेलीग्राम पाऊ ना तो एफ एम मनोज डट कम ऑफिशियल वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन दि जाइए तो आप क्लिक करके पारे तेज रोचे धन्यवाद।